अनिल कपूर जी से प्रार्थना करूंगा जो बहुमुखी कलाओं प्रतिभाओं के कलाकार हैं. ही इज अ राइटर, ही इज एक्टर, ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ लायर ऑल्सो, नो ही इज अ लायर ऑल्सो एंड सो मैनी थिंग्स इन वन मैन. सो ये हमारे गेस्ट हैं ऑनरेबल और साथ में एक अच्छे गायक भी हैं. तो आइए आपसे एक गीत सुनते हैं. एंड रुकिया परमिंदर जी कह रहे हैं कि ये पियानो भी बहुत अच्छा बजाते हैं, क्योंकि मेरे से तो अभी बहुत हल्की थोड़ी सी मुलाकात हुई है, मगर जितनी मुलाकात हुई थी उसके दौरान जो बातें पता लगी तो उससे ये पता लग गया कि इस एक आदमी में बहुत सारी खूबियाँ छुपी हैं. हाँ आप तो कहो जी, आप ही का प्रोग्राम है. सबसे पहले तो ये पैर प्रोग्राम मेरा नहीं है, ये आप सभी का प्रोग्राम है. कपूर साहब के बारे में मैं इतना कहूँगा कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और ऐसी प्रतिभाएं रोज़ो जन्म नहीं लेती. इनकी एक किताब है, क्योंकि ऑथर भी हैं, जिसका नाम है पीकॉक फेदर. उसने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं अभी, एक एक स्टोरी, और उनकी तीन स्टोरीज पे तो अभी फिल्में बन रही हैं. एक अभी टाइगर ट्रेल जो अभी धर्मेंद्र जी के साथ है, अभी कुछ एक महीने में आने वाली है, और एक अभी अब्बास मस्तान जी उस पर फिल्म बना रहे हैं. वो थोड़ा सा आप भी बताएं मुझे. जॉय मुखर्जी प्रोडक्शंस ने लिया है फिल्म बनाने के लिए स्टोरी, दैट इज़ द गुटका किंग स्टोरी, बेस्ड ऑन अ गुटका किंग. एंड अनदर स्टोरी द पीकॉक फेदर विच इज़ अ टाइटल दैट हैज बीन टेकन बाय वीनस पिक्चर्स. सो थ्री स्टोरीज आउट ऑफ दैट हैव ऑलरेडी बीन टेकन. On one of the stories in the second book, Tiger Trail, it has already been completed. The film has been completed. And Joy Mukherjee Productions have already completed another film based on my story and my script, that is Aghat. So that is also due to be released shortly. So these are the things which I have been doing. But the praise that Anand Sahib and Tiwari Sahib have just showered me, I'm not worthy of that. I'm a very small person. And small time person, and the best thing is that in spite of my being a chartered accountant and lawyer, the basic thing is my passion is singing songs. Whether I sing well or not, that's another matter. But my passion is singing. But that is the reason, sir, कि आज के इस program का title भी यही है कि खिलते हैं गोलियाँ. तो आइए फिर गुल खिलाते हैं कपूर साहब के साथ. एक मुझे मौका मिला था. जीनत अमान जी से मेरी काफ़ी मुलाकात रही. सो एक कमानी ऑडिटोरियम में शो हुआ था जहाँ पे मैंने ये सॉन्ग गाया था उनको, उनके साथ में एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई. जस्ट नेक्स्ट शी वॉज जस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी एंड दैट वॉज शी इज़ अ वेरी एलिगेंट लेडी. आप ही तो थे सर, रमेश मिश्रा जी का सारा बैंड था, सरगम सारा साल छाया हुआ था. हो गई एक अजनबी हसीना से हो गई. फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई एक अजनबी हसीना से.
शहर के दिल से बिखरी हुई थी, दिल मेरा खो गई एक अजनबी हसीना से, वो मुलाकात हो गई। Thank you.